प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ पुस्तक हमारे अतीत 1 का अध्याय 2 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आप अपनी स्क्रीन पर इस लड़की की तस्वीर देख सकते हैं जिसका नाम तुषार है और तुषार एक रेल यात्रा करता है। आइए उसकी रेल यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक के बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। और रेल कौन से सन में आई थी? 1853 ईस्वी में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। इस उपमहाद्वीप में मतलब भारत में कब रहते थे? फिर 20 लाख साल पहले, और पुरापाषाण काल का समय ही 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का है। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं किन्हें, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। मूल मतलब जड़ें, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पुरापाषाण काल के लोग अपने मनोरंजन के लिए भी शिकार करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में। तो पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। अब वे जहाँ रहते थे वहाँ के वे पेड़ पौधे फलों को खाकर समाप्त कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी जगह भोजन की तलाश में जाना होता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए यहाँ या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले कौन थे? आखेटक खाद्य संग्राहक, जिनके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के कारण हम देख रहे हैं। तो इनके पीछे पीछे वे भी चले जाया करते थे। किसके पीछे पीछे? जंगली जानवरों के पीछे पीछे आखेटक खाद्य संग्राहक भी चले जाते थे, क्योंकि उन्हें उनका शिकार करना रहता था। अब तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, ठीक है। तीसरा कारण ये भी है कि पेड़ पौधों में अलग अलग समय पर फल और फूल आते हैं, जिस वजह से आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। तो देखिए, कुछ झीलों और नदियों का पानी तो नहीं सूखता है, लेकिन कुछ झील और नदियाँ ऐसी रहती हैं जिनका पानी सूख जाता है, और इस वजह से भी आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते थे। आरंभिक लोग जो थे वे इस वजह से इन चार कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते थे। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आइए हम जानते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। अब पुरातत्वविद कौन है? जो पुरानी चीज़ों की खोजबीन करते हैं, ठीक है, जो पुरास्थलों से प्राप्त होती हैं। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे, बिल्कुल। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। अब किसके? लकड़ियों के और हड्डियों के औजार तो क्या हो गए, नष्ट हो गए, लेकिन जो पत्थर के औजार हैं वो आज भी शेष हैं, जिससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि आरंभिक मानव क्या यूज़ कैसे प्रयोग करते थे इनका। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे।
कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। आपके सामने ये दो पत्थरों के उदाहरण प्रस्तुत हैं। अब इस पत्थर का उपयोग किया जा रहा है क्या? मांस सिलने के लिए। और इस पत्थर का उपयोग किया जा रहा है जड़ खोदने के लिए। क्या खोदने के लिए? जड़ खोदने के लिए। आप देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र दो को देखो। आइए मानचित्र दो में, और इसमें लाल त्रिकोण वाले स्थान कौन कौन से हैं? कुरनूल की गुफाएं, हुंसगी और भीमबेटका। ये रही आपकी भीमबेटका, इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खास संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाद संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये सारे भीमबेटका है, हुंसगी है, कुरनूल की गुफाएं, यहाँ पूरा स्थल है जहाँ पुरातत्वों की खोज पुरातत्वविद करते हैं, जिससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? आरंभिक मानव की। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो लोग आरंभिक लोग जो थे वो रहने के लिए ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। अब आइए शैल चित्र करा, इनमें से हमें क्या पता चलता है? यह एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। तो इस चित्र में ये मुझे शिकारी दिख रहा है और ये उसका शिकार हिरण है। तो ये आखेटा खाद संग्राहक है जो अपना शिकार पकड़ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा मिली है? भीमबेटका। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। आइए भीमबेटका के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में आता है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने कि यह जगह क्यों चुनी होगी? तो उधर अधिक से अधिक पत्थर थे जो उनके लिए बहुत उपयोगी औजार बनाने के लिए, पहला कारण तो ये, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। और दूसरा कारण ये आपको यहीं पर बताया गया है कि बारिश, हवा और तेज धूप से बचने के लिए वे गुफाओं में रहते थे। आइए पूरा स्थल। पूरा स्थल किसे कहते हैं? तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। जो अलग अलग पूरा स्थल हैं जैसे हुंसगी, कुरनूल की गुफाएं, इन सब के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब आइए देखिए आग की खोज। तो आग की खोज ही पूरा पाषाण काल में हो गई थी। तो मानचित्र दो में कुरनूल गुफा को ढूंढो। तो मानचित्र दो में हमने कुरनूल गुफा को अभी देखा है जो भारत के दक्षिण हिस्से में है। ये देखिए भारत के दक्षिण हिस्से में ये रही आपकी कुरनूल की गुफाएं। इधर क्या हुआ? आग के अवशेष मिले हैं, राख मिली है। अब आग लगी होगी तभी तो राख हुई होगी। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ? कुरनूल की गुफाओं में। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। अब आपके सामने फिर से क्वेश्चन है कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो आज हम आग का उपयोग भोजन पकाने के लिए, फैक्ट्रियों में धातु पिघलाने के लिए और सर्दी से बचाव के लिए और विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए भी हम आग का उपयोग करते हैं। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। हम आरंभिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं और आरंभिक काल का क्या नाम है? पुरापाषाण काल कहते हैं इसे। और पुरापाषाण काल दो शब्दों से बना है, पुरा और पाषाण। पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। अब यह नाम जो पूरा पाषाण काल है, तो हमें ज़्यादातर पूरा स्थलों से पत्थर के औजार मिले हैं, तो बता रहा है कि उस समय आरंभिक काल में पत्थरों का कितना महत्व था। इस काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। किसे? पूरा पाषाण काल को। आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग, ठीक है। तो इसके भी तीन भाग हैं, आप ये याद रखिएगा। मानव इतिहास की लगभग 99% घटनाएं इसी काल में हुई। किस काल में? पुरापाषाण काल में। अब देखिए अगला, मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं?
तो जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। तो मध्यपाषाण युग किसे कहते हैं? जिसमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। और वह पर्यावरणीय बदलाव क्या था? तो गर्मी बढ़ने लगी थी जिससे घास के मैदान तैयार होने लगे थे। इसके आगे हम पढ़ेंगे बदलती जलवायु। अब मध्यपाषाण काल का समय कब से कब तक का है? तो मध्यपाषाण काल का समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। इस काल के पाषाण यानी मध्यकाल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। और मध्यपाषाण के औजार क्या होते थे? बहुत छोटे होते थे, जिसके वजह से इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। किसे? मध्यपाषाण काल को। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाँसियों और आरी जैसे औजार मिलते हैं। कब? लघु पाषाण काल में। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। तो मध्यपाषाण काल में जो औजार हैं वो और पहने उनके लिए तो मिलते ही थे, साथ ही साथ पूरा पाषाण काल वाले औजार भी इस समय बनाए जाते रहे, उन्हें बंद नहीं किया गया। अब अगले युग की शुरुआत कब हुई? लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे हम क्या कहते हैं? नवपाषाण युग कहा जाता है। पहले पूरा पाषाण काल युग 20,00,000 साल से 12,000 वर्ष पूर्व, फिर 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व का आपका मध्यपाषाण काल ये लघु पाषाण चला। अब नवपाषाण काल कब से चालू हुआ? आपका 10,000 साल पहले से। नवपाषाण काल का क्या मतलब होता होगा? तो नवपाषाण काल कब से शुरू हुआ? आज से लगभग 10,000 साल पहले से। और जो नवपाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल का अंतिम युग है। और नवपाषाण काल में औजारों को पैना बनाने के लिए पॉलिश भी चढ़ानी शुरू कर दी गई थी, पॉलिश करनी। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, तो किताब वालों ने कुछ नाम दिए हैं, हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। बदलती जलवायु। बदलती जलवायु, तो जलवायु कब बदली? मध्यपाषाण काल में, अभी हमने पढ़ा। अब इसका मध्यपाषाण काल का समय क्या है? लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले तक का। तो देखिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो घास खाकर जिंदा रहने वाले जानवरों की संख्या बढ़ गई और खेती क्या हुआ? खेती भी स्टार्ट हो गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। कब? मध्यपाषाण काल में। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ये कहाँ हुआ था? केथर और सुलेमान की पहाड़ियों में, और जगह का नाम क्या था? मेहरगढ़। और इनकी खेती वहाँ एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है अध्याय एक में पृष्ठ दो में, क्या है? 8,000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ की खेती वहाँ होने लगी थी। ठीक है, अब देखिए आगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगी कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। कहानी बुनी जा रही है यहाँ। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है सामने आपके, फिर से क्वेश्चन क्या आइए पढ़ते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो हाँ, पहले मनुष्य शिकार करके अपना पेट भरता था और कुत्तों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है, जिसकी वजह से आने वाले खतरे से वह पहले से ही आगाह कर देता था। इसलिए कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया होगा। अब देखते हैं बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है, लोगों पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? बसने की क्रिया प्रक्रिया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं
उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। देखिए ये अंतर है, ये जंगली सुअर का दांत है और ये ऐसे पालतू सुअर का दांत है। अब देखिए यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है। इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है, कौन सा पालतू सुअर का, तो मैंने आपको बताया बड़ा वाला जंगली सुअर का, छोटा वाला पालतू सुअर का। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, ठीक है, मध्यपाषाण काल में बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे, जिस वजह से वे स्थायी जीवन भी शुरू कर दिए होंगे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी होगी। अब पूरा खा लेंगे तो फिर दोबारा कैसे बोएंगे। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। देखिए वे तो पहले शिकारी थे, लेकिन जब 12,000 साल पहले जलवायु बदली तो उन्होंने खेती करना भी शुरू किया। जिसके खेती शुरू किया तो उन्हें भोजन तो संग्रह करने की आवश्यकता पड़ी होगी, तो वो बर्तन का उपयोग करते रहे होंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनसे फिर और नए बच्चे आते हैं जिससे संख्या बढ़ती जाती है। अब आपके लिए फिर से दो क्वेश्चन है, एक पहला ये, दूसरा ये। हम पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? तो जानवरों से हमें भोजन के अलावा जानवरों की खाल से चमड़ा मिल सकता है, और जानवरों की हड्डियों से औजार भी बनाए जा सकते हैं, और जानवरों से सामान ढोने का और गाड़ी खींचने का काम भी हम ले सकते हैं। और आज जानवरों का उपयोग इसलिए होता है, तो आज जानवरों का उपयोग भी गाड़ी खींचने और माल ढोने के लिए करते हैं, और जानवरों से हमें आज दूध प्राप्त होता है। अब देखिए आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ठीक है, आइए पता करते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। तो आइए हम मानचित्र 1 देख लेते हैं। उससे पहले क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? आइए हम मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 में नीला वर्ग देखते हैं। ये देखिए नीले वर्ग आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपका ये बुजोम है जहाँ गर्त वास हुआ, ये मेहरगढ़ है जहाँ सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती हुई, और ये आपका यहाँ पे है कोल्डी हवा महागढ़ा। कोल्डी हवा में सबसे पहले चावल उगाया गया। ये विंध्य पहाड़ियों के उप कहाँ का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पे विंध्य पहाड़ी है आपके, ऐसे यहाँ पे विंध्य पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, और उसके ऊपर का क्षेत्र कोल्डी हवा। काफ़ी सारी जगह हैं, हलवर पेलपल्ली ये सब हमने देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं हम। पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए मेहरगढ़ में, बुरजोम में, और सभी जगह पर इन्हें पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के प्रमाण मिले हैं।
ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, कहाँ सबसे महत्वपूर्ण? श्रीनगर में बुर्ज होम, श्रीनगर जिले में वर्तमान में पड़ता है, और मेहरगढ़ में उधर सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, सिंधु नदी के आसपास का, और पूर्वी क्षेत्र में गारो की पहाड़ियों के आसपास और दक्षिण में भी। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी, क्योंकि वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ? वर्तमान कश्मीर में श्रीनगर जिले में। तो बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। याद रखिएगा कि गड्ढे के नीचे कौन घर बनाता था? तो बुर्ज होम के लोग। वे ऐसा क्यों करते थे? वे ठंडी से बचने के लिए ऐसा करते रहे होंगे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, गर्तवास में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब आपसे बोला है गर्तवास का चित्र बनाओ, तो आप बना लीजिए जमीन के नीचे गर्तवास का चित्र अपने अनुसार देख के। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, यह आपको मैंने अभी बताया है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखिए, ये औजार है नवपाषाण काल के। ये देखिए, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, चित्रकारी भी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, जैसे एक बर्तन है, इसमें कोई चीज़ रखी जाती रही होगी, जैसे अनाज वगैरह। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। आइए अब हम पढ़ते हैं मेहरगढ़ के बारे में, सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ बताया यहाँ गेहूं जो कि सबसे पहली खेती हुई, और ये सिंधु नदी के पास का क्षेत्र है। कहाँ? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र। अब आइए पढ़ते हैं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मानचित्र दो, पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। तो मानचित्र में मेहरगढ़ मैंने आपको कई बार दिखाया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये है आपकी, यहाँ पे ये सिंधु नदी है, और ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। ये ऐसे आप देख सकते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और ये है आपका यहीं पे किरथर और सुलेमान पहाड़ी के पास मेहरगढ़। ठीक है, आइए हम फिर से अपनी जगह पर वापस आते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास का एक हरा भरा समतल स्थान है। कौन? मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ सबसे पहले लोगों ने गेहूँ और जौ उगाना सीखा, और भेड़ बकरी पालना भी यहीं से सबसे पहले सीखा। और आप ये बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे लिखा है कि यह है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास का एक हरा भरा समतल स्थान है। तो ईरान जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता मेहरगढ़ से होकर गुजरता था। और आपको मैंने अभी पिछले अध्याय में बताया था कि जो
इसी जगह पर भरत नाम का कबीला रहता था, और जो भी लोग यहाँ से गुजरते थे इस रास्ते से, इस उपमहाद्वीप से बाहर से आना और जाना जो होता था इसी रास्ते से होता था। ये महत्वपूर्ण रास्ता था ज़मीन का, ठीक है। बाकी तीन ओर से तो समुद्र से घिरा हुआ है यह हमारा उपमहाद्वीप। तो उन्हें क्या होता था, जो भी उस रास्ते से गुजरते थे उन्हें भरत नाम के कबीले का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से भरत नाम के कबीले पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है। ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भी भरत नाम के कबीले का उल्लेख मिलता है। अब देखो, मेहरगढ़ में विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में चार या उससे ज़्यादा कमरे हैं। ये देखिए, आप जैसे देख सकते हैं ये घर है, तो इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 कमरे हैं। अब चार कमरे थे तो जिनमें से संभवतः कुछ भंडारण के काम आते रहे होंगे। उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी थी तो कुछ भंडारण के लिए भी तो चाहिए। सारा वो खा लेंगे तो फिर दोबारा क्या बोएंगे। मृत्यु के बाद समानता मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। जाहिर है, लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। और मेहरगढ़ में तो बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई थी, आइए पढ़ते हैं। मैं आपको पहले नहीं बताता, आप पढ़ ही लीजिए। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये है ना वियर्ड, ये आदमी है, उसके कंकाल उस आदमी के साथ साथ एक बकरी को भी दफनाया गया उसके खाने के लिए। ये है मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो ये है बकरी का कंकाल और ये है ऑब्वियस सी बात है इंसान का कंकाल। अन्यत्र अन्यत्र वही है। आप जब हमारे उपमहाद्वीप में जो भी चीज़ें घट रही थी तब यहाँ क्या हो रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्या है, एक नवपाषाणिक पुरा स्थल। तो देखिए, नवपाषाणिक पुरा स्थल मतलब नवपाषाण का पुरा स्थल कहाँ है, तुर्की में, एटलस में तुर्की ढूंढो। तो आप इस चित्र में तुर्की के देख लीजिए। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चाताल युग तुर्की में है, ठीक है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़िया तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। अब आइए सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए, आओ याद करें। तो पहला है, इन वाक्यों को पूरा करो। तो पहला है का, आखेट खाद संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, क्यों रहते थे, क्योंकि गुफाओं में उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। अब दूसरा क्वेश्चन है, घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ? तो घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पूर्व हुआ, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो पौधों फसलों की क्या करनी पड़ती, देखभाल करनी पड़ती है, और पालतू पशुओं की भी देखभाल करनी पड़ती है। इस वजह से खेती करने वाले लोग लंबे समय तक एक स्थान पर रहते थे। अब आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? तो इसका कारण यह है कि पुरातत्वविदों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे के स्तरों में हिरण और जंगली सूअर की जो जंगली सूअर होते हैं उनकी हड्डियाँ मिली हैं। निचले स्तरों में किसकी हड्डियाँ मिली है? हिरण और सूअर की। जिससे ये पता चलता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर निर्भर था। पहले जो था सबसे शुरू में केवल शिकार पर निर्भर थे, लेकिन उसके बाद के जो स्तर हैं उसमें भेड़ तथा बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। इससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था, ठीक है, यही कारण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस द नोटिफिकेशन ऑफ अवर एनी न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।